हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरे कृष्ण फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आई एम डॉक्टर लाभेंद्र मात्रे। आज हम जिस वीडियो के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इन TKR, दैट इज टोटल नी रिप्लेसमेंट। एनिमेशन ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। द नी कंसिस्ट्स ऑफ द टिबिया और शिन बोन, फीमर और थाई बोन, एंड पैटेला और नीकैप। In knee arthritis, the cartilage on the end of the bones slowly wears away, causing pain and irritation, making daily activities difficult. Arthritis can affect all or just one area of the knee. In this case, the entire knee is affected and a total knee replacement is performed. During the surgery, your doctor uses a series of guides to help remove the damaged bone and prepare the femur, ensuring proper implant size and alignment. Next, your doctor will prepare the tibia using a series of guides to ensure proper implant size and alignment. The final tibia preparation is completed and a trial spacer is used to confirm knee stability. Next, your doctor prepares the patella to accept the implant. Trial implant is placed on the patella and the knee is checked for proper implant size and stability. The trial implants are then removed and the surfaces are prepared for placement of the final implants. Your doctor applies bone cement on the backs of the tibia, femur, and patella implants for final fixation. This completes total knee replacement. Precautions after total knee replacement. Physiotherapy exercises for TKR. Ankle toe movement. इसके लिए आपको बेड के ऊपर सीधा लेटना है और आपके पैर का पंजा ऊपर नीचे घुमाना है। इसको आप 10 टाइम्स कीजिए। ये एक्सरसाइज होने के बाद आप उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग। इसके लिए आपको बेड के ऊपर सीधा लेटना है, ऑपरेटेड नी के नीचे बॉल या फिर बड़ा टॉवेल लेना है और आपके नी से उसको प्रेस करना है। 10 टाइम्स कीजिए। प्रोग्रेस टू प्रेस एंड होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, रिलैक्स। रिपीट फॉर 10 टाइम्स। एक्सरसाइज फॉर नी एक्सटेंशन लैग। ये एक्सरसाइजेस उनके लिए बहुत यूजफुल है जिसको कि एक्सटेंशन लैग है, मतलब
ऑपरेशन करने के बाद जिनका घुटना हल्का सा फोल्ड रहता है, ठीक है, उसके लिए आपको बेड के ऊपर सीधा लेटना है, एंकल के नीचे बॉल लेना है या फिर बड़ा सा टॉवल लीजिए और आपको आपके एंकल से और क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथ लगा के उसको नीचे प्रेस करना है। यू हैव टू प्रेस एंड होल्ड फॉर 10 काउंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिपीट फॉर 10 टाइम्स। ROM एक्सरसाइज, दैट इज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। इसके लिए आपको बेड के ऊपर सीधा लेटना है, काफ के नीचे बॉल लीजिए या फिर फोम रोलर लीजिए, घुटने के नीचे आप दुपट्टा या फिर बेल्ट लगा सकते हैं। इसके बाद आपको नी फोल्ड करने में इजी होगा, इसके सहारे आप बेल्ट या दुपट्टा जो भी है उसको आपकी तरफ खींचिए और सीधा कीजिए। इससे रेंज ऑफ मूवमेंट या फिर घुटने की जो रेंज है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होती है। इसको आप रिपीट मोर देन 50 टाइम्स कीजिए, दिन में 3-4 बार कीजिए। हिप अडक्टर स्ट्रेंथनिंग, इसके लिए आपको बेड के ऊपर सीधा लेटना है और एंकल के बीच में आपको बॉल रखना है और दोनों पैर से उसको स्क्वीज करना है। स्क्वीज रिलीज, स्क्वीज रिलीज, रिपीट फॉर 10 टाइम्स। अभी हम देखेंगे कि ऑपरेटेड लेग को नॉर्मल पैर का सहारा लेके बेड के नीचे कैसे लेना है। उसके लिए नॉर्मल लेग को मैं एड़ी के पीछे लेके जा रहा हूँ और मेरे अंगूठे के सहारे से एड़ी को और पैर को लिफ्ट किया है और मैं धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा हूँ। जैसे मैं कंफर्टेबल पोजीशन में आऊँगा तो मैं पैर नीचे छोड़ूंगा जितना हो सकता है उतना। जनरली ये हाई सेटिंग में नहीं करना है, आप जब पैर नीचे आएगा आपका तो ग्राउंड को टच होना चाहिए, बाद में चाहे तो आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं और उसी टेक्निक का सपोर्ट लेके आप नी एक्सटेंशन भी कर सकते हैं 10 टाइम्स तक। जितना होगा उतना ही पैर ऊपर उठाइए क्योंकि नी को स्टिचेस रहेंगे, पेन नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट इज ऑल अबाउट फिजियोथेरेपी इन TKR। आपको इस वीडियो के ऊपर कुछ डाउट्स या क्वेरीज हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।